ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि के मैप को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ये सेकंड प्रश्न है। पिछले वीडियो में आपने एक सवाल लिया था के मैप से, ये दूसरा सवाल है। इसको भी हम लोग देखते हैं, हाउ टू सिंप्लीफाई इट। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोग समझे थे कि भाई पहले तो देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो इत्तफाकन यहाँ भी चार वेरिएबल है, वेरिएबल टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। तो चूंकि फोर वेरिएबल दिया हुआ है तो भाई अपने को तो क्या करना पड़ेगा, 16 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फोर के लिए 2 टू द पावर 4 हो जाता है। तो 16 ब्लॉक अपन बनाएंगे यहाँ पर। तो ये रहा आपका 16 ब्लॉक, है कि नहीं? अब इस 16 ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ध्यान दे करके करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना? तो एक जगह यहाँ अटेंशन देना है। तो ये रहा आपका डब्ल्यू एक्स, इधर ले लिया, इधर वाई जेड ले लिया। तो नंबरिंग क्या होगा, 0 1 2 हेयर, 3 then 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बिल्कुल प्रैक्टिस करना है घर में खुद से, है ना? मेरे बताने के बाद भी इसको बनाना है, बेहद जरूरी है कॉपी लेकर के खुद से, ठीक है? तो ये जो है कैसे होता है इसका सेटिंग, 0 0 ये भी लिखना जरूरी है, 0 1 1 0 यहाँ, फिर 1 1 0 0 0 1 फिर 1 0 नहीं, यहाँ 1 1 फिर 1 0, ठीक है ना? अब अपन क्या करते हैं इसमें कि जो जो इसमें देखो सम प्रोडक्ट दिया हुआ है, समेशन है, यानी कि मीन टर्म दिया हुआ है कि ये पॉइंट पर अपना क्या है, वन है। तो 0 पोजिशन पर 1 है, 1 पोजिशन पर गिवेन है 1, 2 पोजीशन पर गिवेन है 1, 2 पर फिल कर दिया, 5 पर गिवेन है 1, 5 पर फिल कर दिया, 8 पर गिवेन है 1, वेर इज इट, 8 इज हेयर, 10 पर गिवेन है 1, 10 इज हेयर, 13 पर गिवेन है 1, 13 इज हेयर। तो हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ जो सबसे पहली सावधानी बरतनी थी कि ये नंबरिंग सही से फिल हो, फिल कर दिया हमने। उसके बाद जो भी इसमें टर्म दिए हुए हैं सब में अपन क्या किया, 1 प्रॉपरली फिल कर लिया। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने वाली है वो क्या है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में अपना ध्यान हमेशा क्या होता है, ग्रुपिंग होता है 2 4 5 8 16, 2 के पावर में ही होगा ग्रुपिंग, और एडजेसेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना? डायगोनली नहीं होता है ग्रुपिंग। तो देखते हैं अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यस, गुड, वेरी गुड। एक चीज तो साफ दिख रहा है कि ये वाला जो है और ये वाला है, इसको अपन ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये 4 का, ठीक है ना? तो ये 4 ग्रुपिंग एक साथ हो गया। चलिए अब क्या बचा, अब बचा दो, ये 3। तो 3 तो अपन कर सकते नहीं है, तो अब आपके पास क्या है ऑप्शन, पहले जैसा तो एडजेसेंट वाला तो कुछ अब बन नहीं रहा है, इसका दोनों का जो है ये किसी के साथ एडजेसेंट तो सामने आ नहीं रहा। तो यहाँ पर ये 2 का ही ग्रुपिंग बनेगा, और इसका तो किसी के साथ होने का कोई उपाय तो दिखता नहीं है ना? और फिर बचा है अब ये 1, तो 1 का भी 2 हो जाएगा, है ना? तो या तो इस ये 2 ये दोनों के साथ 1 कर ले, या फिर इस दोनों के साथ 1 कर ले 2, है ना? तो दोनों चलेगा कि भाई दोनों में तो 2 का ही वेरिएबल बना, 2 का ही ग्रुपिंग बना, 4 तो पॉसिबल इसमें नहीं हो रहा। तो इसमें 3 फैक्टर बना, जिसमें एक 4 का ग्रुप बना, एक 2 का बना, और दूसरा क्या हो गया, 2 का, क्योंकि और इस 2 को हम लोग कहीं नहीं कर सकते ना ग्रुपिंग, है ना? इस 2 का भी अगर यहाँ कोई एडजेसेंट होता तो भले ही ये 4 कर देते अपन, है ना? तो यहाँ भी इसका तो है नहीं, तो यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो फिर ये दोनों अकेला ही रह जाएगा बेचारा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब इसको लिखते हैं, इस 4 के लिए कैसे लिखा जाएगा। तो ये दोनों कॉलम है ना, ये दोनों कॉलम है, तो इस दोनों कॉलम में क्या देखना है कि कॉमन कौन है। तो फिर से देखा जाए तो इस दोनों कॉलम में कॉमन क्या है, ये और ये कॉलम में देखना है ना। तो इस दोनों कॉलम में कॉमन क्या है, ये है, यानी कि जेड बार, है ना? क्या है, जेड बार, 0 0 है इसलिए बार लगा दिया मैंने। और फिर रो में कौन है, ये रो और ये रो है दोनों, तो इस दोनों रो में कॉमन क्या है। तो इस दोनों रो में कॉमन मुझे 0 0 दिख रहा है ना, तो ये 0 0 क्या हो गया, एक्स। तो यानी कि क्या लिखना होगा, एक्स बार, है कि नहीं? क्योंकि 0 है तो बार तो करना पड़ेगा, मीन टर्म में दोनों का प्रोडक्ट फाइनल 1 होना चाहिए, इसीलिए ये तो हो गया। अब बचा कौन, ये 1 1, इसका ग्रुपिंग कैसे होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए जो ग्रुपिंग होगा वो क्या होगा,
तो इसमें ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हमारा। देखिए ये हो गया दो रो, इस दो रो के लिए कॉमन कॉमन वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इसको कंप्लीमेंट करने की जरूरत होगी, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो वन ऑलरेडी है, तो कंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, डब्ल्यू के बाद एक्स मैंने माना है तो वन ये हो गया एक्स। अब ये पूरा रो तो है नहीं, ये सिर्फ किस कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ ये कॉलम, तो इसमें आपके पास कोई चुनाव नहीं है, तो ये दोनों वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, है ना। देखिए ब्लॉक साइज जब छोटा हुआ तो वेरिएबल टू के लिए थ्री हो गया, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई जेड, तो ये जीरो है तो वाई का क्या लेना पड़ेगा कंप्लीमेंट, और जेड तो वैसे ही रह जाएगा, सही है नहीं है। उसी प्रकार से अब ये रो है, ये रो है, इस रो में तो भाई एक ही रो है, तो इसमें भी क्या चुनाव है, ये लेना होगा, तो डब्ल्यू बार एक्स बार होगा जीरो जीरो है इसलिए। अब ये पूरा रो तो है नहीं, ये दोनों कॉलम में है, तो ये दोनों में कॉमन कॉलम कौन है, वाई बार, वाई है, तो वाई है तो वाई का कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो ये आपके टोटल की तीन फैक्टर बने, सही बात है कि नहीं है। तो ये तीन फैक्टर हमारे सामने आ चुके। अब जो सिंप्लीफाई मैप होगा वो क्या होगा, इन तीनों का सम ही तो होगा, समेशन ही तो दिया हुआ है आपका, तो मीन टर्म का समेशन निकालना है आपको, तो एफ क्या हो गया एक्स बार जेड बार, सॉरी एक्स बार जेड बार, है ना, ये क्या हो गया आपका एक्स बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार एंड डब्ल्यू बार ना, एक्स बार वाई बार डब्ल्यू बार, तो ये टोटल फाइनल अपना एक्सप्रेशन आया। इसको आप मिनिमाइज करके देख लीजिए, इससे मिनिमम ये नहीं हो पाएगा, समझे, के मैप ऑलरेडी गिव्स यू मिनिमम एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाई इट इज बेटर फॉर अस, ठीक है। लेकिन इसमें यही है कि यहाँ जो मैपिंग हुआ, देखिए सबसे बड़ा मैपिंग चार का हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, दो ही, फिर मैपिंग कितने का हुआ, दो का, तो दो में तीन वेरिएबल आ गए, है ना, मतलब ग्रुप जितना छोटा होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं उतना बड़ा होता है। लेकिन हमारी भी तो व्यवस्था है, जब कोई गुंजाइश ही नहीं है तो अपन कर भी क्या सकते हैं, ये टू का किसी और के साथ मैप बन ही नहीं सकता, इस टू का नहीं बन सकता, इधर होता है एक वन और तो बना देते इस दोनों को मिला करके, पर ऐसा तो है नहीं, तो इसीलिए ये क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ओके okay?